अरे मित्रों, आज की वीडियो को देखकर आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस दूल्हे की तरफ आंटियों ने दूल्हे को घेर रखा है और दूल्हे को लेटा कर कैसे देखो हल्दी लगा रही हैं। आए तो आंटियां दूल्हे को बिल्कुल गोरा गोरा करके ही मानेंगी। हाँ आंटियों, ऐसे रगड़ रगड़ के लगाओ ताकि दूल्हे का कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए, यानी कि दूल्हे की हर जगह गोरी गोरी हो जाए। और दूल्हे की तरफ देखो, बिल्कुल शांत गऊ की तरह लेटा हुआ है। बोलता होगा कि मेरी माताओं, मेरी बहनों, आए मुझे गोरा गोरा कर दो, क्योंकि मेरी मुन्नी के सामने मेरी इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और यहाँ पर देखो, स्तव की तरफ ऊपर जाने की तैयारी है, लेकिन फिर भी इसको सबर नहीं है। बोलता है कि अभी तो जवानी आई है, देखो यार मुन्नी को ब्याह कर ले आया है। अबे तो क्यों तुमने इस उम्र में अपना कच्चा फड़वाना है, देखो यार कितनी सुशील मुन्नी को लाया है, यानी कि मुन्नी है छोटी लेकिन तव है बहुत बड़ा। तव बोलता है उम्र से क्या होता है, प्यार सच्चा होना चाहिए। अबे मुन्नी जवान लड़के मर गए थे, ये तुम्हें इस तव से शादी करनी पड़ी। यहाँ पर जवान लड़के शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही, लेकिन सुशील सुशील मुन्नियां जा रही हैं तव के पास। अबे तव मर जा तो गुड़ खा के। और यहाँ पर देखो पंडित जी की तरफ, पंडित जी से बहुत बड़ी गलती हो गई, यानी कि दुल्हन की बहन के ऊपर ही मंत्र पड़े जा रहे हैं। अबे पंडित जी वो है दुल्हन, तो यार पंडित जी ने कहा ओले ओले मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो अपनी साली, मेरा मतलब कि दूल्हे की साली की लाला लाला कर डाली। तो चलो मेरे भाइयों, दिल को थाम लो। यहाँ पर देखो इस मुन्नी की तरफ, इस मुन्नी का शादी वाले दिन ही एग्जाम आ गया, तभी मुन्नी ने कहा कि शादी भी करनी है और एग्जाम भी देना है, दोनों चीजें बहुत ही कंपल्सरी है। तो यार मुन्नी होगी त्यार श्यार, बोलती है कि पहले एग्जाम दूंगी फिर जाऊंगी शादी करने। देखो यार कैसे लहंगा मेकअप वेकअप सब कुछ पहनकर आई है, और पेपर देने के बाद देखो क्या बोल रही है। आगे बढ़ने के लिए दोनों चीजों को संग में लेके चलना चाहिए, शादी भी जरूरी थी और पेपर भी जरूरी था। किस चीज का पेपर? सोशियोलॉजी। अच्छा, इसके बाद पेपर देने के बाद फिर आप? सर पेपर देने के बाद विदाई है, ससुराल जाएंगे। वाह दोस्तों वाह, पहले एग्जाम दिवाई फिर विदाई। दोस्तों दुल्हन की क्या सोच है। अब यहाँ पर देखो, कुछ लोग दूल्हे के पास आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, और फोटो खिंचवाने के बहाने देखो यार कैसे दूल्हे को उठा लिया और उसके जूते चुराए जा रहे हैं। अभी ये कौन सा तरीका है, जूते चुराए जाते हैं ऐसे छीने नहीं जाते। और दुल्हन की तरफ देखो, बोलते हैं कि आया है मेरे दूल्हे के साथ ये क्या कर रही हो, मेरे दूल्हे के साथ ऐसा मत करो, एक तो जूतों का जोड़ा है मेरे दूल्हे के पास। और यहाँ पर देखो दोस्तों, लोगों ने गेहूं वाली मशीन को ही कैसे मतलब कूलर बना रखा है, और बीच में बर्फ भी डाल रखी है, और टेंट के अंदर ठंडी ठंडी हवा पहुंचाई जा रही है। हमारे देश में बहुत ही एडवांस लेवल के लोग रहते हैं, जो कि जुगाड़ लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। अब इस दूल्हे की तरफ देखो, ये तो बहुत ही महान दूल्हा है, यानी कि शादी को छोड़कर देखो अलग ही झाड़ियों में आ चुका है, और झाड़ियों में छिप छिप कर पैग शैग लगाए जा रहे हैं, दारू शारू पी जा रही है। अबे दूल्हे पहले ढंग से शादी कर ले, लेकिन ये दूल्हा तो शादी से पहले ही लगा हुआ है। बोलता है कि शादी के बाद तो पियेंगे लेकिन शादी से पहले भी पी कर ही रहेंगे। और देखो मंडप में कैसे मतलब कि चेहरा देखो इसका। और यहाँ पर देखो दोस्तों, शादी में लोग नाच रहे हैं कि आए मेरे यार की शादी है, आए मेरे यार की शादी है, लेकिन इनके यार की तरफ देखो, इधर रथ पर महाराजाओं की तरह बैठा हुआ है और बैठकर अपनी मुन्नी के साथ क्रिकेट देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम उधर नाचो, हम इधर एंजॉय करेंगे वो भी मैच को। शौक है बचपन से, सो गया मुझे इस चीज का। तो चलो यारो, यहाँ पर देखो शादी हो रही थी, लेकिन सामने देखो बॉन्डर आ चुका है, और लड़कियों आंटियों की तरफ देखो कैसे अपना मुंह छुपा रही हैं कि जल्दी से मुंह छुपा लो नहीं तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। पता नहीं दोस्तों दूल्हा और दुल्हन ने क्या पाप किए होंगे, जो कि उनकी ही शादी वाले दिन उनके ही घर के सामने ऐसे बॉन्डर बिल्कुल विकराल रूप लेकर खड़ा है। अरे यारो, आप भी थोड़ा सा बॉन्डर लाओ, यानी कि फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का।